हमेशा से सरहुल का फेस्टिवल हम लोग मनाते आए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। हमारे जो आदिवासी हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं, एक पेड़ भी कट जाता है तो उनके लिए मातम के बराबर होता है। और हमारे पूर्वजों ने जो हमें इतना कुछ दिया है और हमारा प्राकृतिक का जो धरोहर है, जैसे कोविड के बाद हम लोग प्राकृतिक को ज़्यादा समझे हैं और उसके बाद देखे कितना परिवर्तन देखने को मिला है, लोग साफ सफाई में, अपने स्वास्थ्य में कितने जागरूक हो गए हैं। और ये चिंता तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ सभी लोगों का चिंता ज़रूर रहता होगा कि जब हमारा जंगल, जब सभी पर्यावरण दूषित हो रहा है, पेड़ कट रही है, तो उसके बाद हमारा आने वाला दिन कितना भयावह होगा। आज हम लोग को धूप में अगर छांव चाहिए होता है तो हम पेड़ के नीचे जाके ठंडक महसूस करने के लिए वहाँ बैठते हैं। जब प्यास लगता है तो हमें दो दो कदम पे पानी मिल जाता है, दो दो कदम पे यहाँ पे झरने हैं, नदियाँ हैं, सभी सूखती जा रही है, सभी दूषित होती जा रही है। और ये एक छोटा सा प्रयास है, हालांकि गुनगुनाते गुनगुनाते मेरा तो गाना से, नृत्य से बचपन से ही काफ़ी लगाव रहा है। और सरूर पे ही हम लोग कुछ प्रयास किए, गुनगुनाते गुनगुनाते मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं एक संदेश दिया जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा वक्त निकाला और ये वक्त निकाला है सभी लोगों को एक संदेश देने के लिए। हमारा जो नृत्य संगीत है ये काफ़ी साइंटिफिक चीज़ है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और यही वजह है कि लोग खुश होने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए कोई म्यूज़िक सुनते हैं, किसी ताल पे थिरकते हैं, मन शांत होता है, खुश होते हैं, इतने सारे रुपए खर्च करते हैं गीत संगीत को सुनने के लिए या कहीं जाके इस तरह के समारोह में उपस्थित होने के लिए। और मैं तो बस मैं सरकार से भी ये मांग करूंगी कि जो सरहुल का त्यौहार है ये प्राकृतिक का त्यौहार है, ये सिर्फ हमारे आदिवासी वर्ग देखा जाता है कि वो मनाते हैं, और प्राकृतिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम सबको ये आभास करने की ज़रूरत है कि हम सबको, मतलब सारे वर्ग तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम जन हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम प्राकृतिक को लेके थोड़ा अपने प्रेम को उजागर करें जगह जगह, जहाँ पे भी, जिस तरह से भी हो सके, और पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पे एक ठोस कदम उठाए। और ये सरहुल त्यौहार सिर्फ आदिवासी नहीं, एक एक व्यक्ति मनाए, क्योंकि ये त्यौहार प्राकृतिक त्यौहार है और ये प्राकृतिक हम लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि इसी से हम जीते खाते हैं, सांस लेते हैं, ये वातावरण में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और इस पे अपना पहल करें। और भी मेरा जो संदेश है, क्योंकि हम ये भी चिंता होती है कि हमारे जो झारखंड का धुन है, जो झारखंड का हमारा जो भाषा है, जो हमारा झारखंड का ध्वनि है, वो उतना सुनाई नहीं देता है, तो इस पे अपना आवाज़ डालने का काम किए हैं। और सारे जो हमारे कलाकार हैं झारखंड के, उनके रिस्पेक्ट पे ये गाना गाए हैं, और बहुत ही कम संसाधन में, बहुत ही कम समय में, एक घंटे में हम लोग गाना रिकॉर्ड करे हैं। मंगल जी हमारे साथ अभी नहीं है, उन्होंने गाना लिखा है, और सोनू जी हैं जो पूरा मैनेज किए हैं सारा चीज, मोनू जी जो पतरातु के ही रहने वाले हैं और काफ़ी पहले आके हमसे मिले थे, अपने जो यहाँ पे कलाकार लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे हमको अवगत कराएं। और निश्चित रूप से मैं जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारा यहाँ का जो जितने भी कलाकार हैं वो मोटिवेट हो और भी अच्छा यहाँ के गीत संगीत नृत्य, यहाँ के ट्रेडिशन को प्रमोट करें। आप अगर USA जाएंगे, आप अगर अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ के कल्चर को किस तरह से संजो के वहाँ के लोग रखते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते लिखते हैं हम अपने ट्रेडिशन से इतने दूर चले जाते हैं, अपने लैंग्वेज से दूर चले जाते हैं, अपने जो हमारे पूर्वजों ने इतना खूबसूरत चीज़ दिया है उससे दूर चले जाते हैं। हम सबको इसको संजो के रखने का ज़रूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो देखने को मिलता है उससे भी खूबसूरत चीज़ हमारे पास है, और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसे हमें संजो के और इसे हमें
खूबसूरती से इसको प्रमोट करना चाहिए। और ये हमारे झारखंड का नागपुरी गीत सरूल के ऊपर हमने गाया है, और इस पे हम लोग शूटिंग भी किए हैं, जो हमको लगता है 6 से 7 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, क्योंकि वक्त नहीं था उतना, तो थोड़ा सा वक्त कहीं कहीं से चुरा के और एक दिन का समय हम लोग कोशिश किए, क्योंकि ये भी एक कंट्रीब्यूशन वेल कॉज के लिए है, सही चीज़ के लिए हम लोग ये कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किए, प्रयास किए। और मुझे लगता है कि ये सलून में लोग इसको बजा के इस पे, क्योंकि ये हैप्पी सॉन्ग है, और ज़रूर लोग आपको इस गाना में नाचते गाते दिखेंगे सरूल में। और ये सिर्फ स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक मैसेज है कि हम लोग, इट्स हाई टाइम हम लोग को पर्यावरण, नेचर के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से हमें प्राकृतिक ने बचा के रखा हुआ है, स्वस्थ रखा हुआ है, उस तरह से हमें भी अपने जल जंगल जमीन जैसे दूषित हो रहे हैं, हमारे जानवर अब कम दिख रहे हैं जो जंगल में रहते हैं, जो आमतौर पे हम लोग पढ़ते लिखते ये जाने हैं कि इतने सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, वो अब देखने से भी नहीं मिलते हैं। क्या हम लोग देखे, हर परिस्थिति में कभी भी हम लोग के चेहरे पे आप लोग शिकन नहीं देखे होंगे, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे होंगे। बहुत विपरीत परिस्थिति आई, बहुत सारे चुनौती, तो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो इसमें घबराना क्या है। गीत संगीत तो अपने, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमको लगता है कि इससे सभी लोग जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। और हम लोग को तो खैर कभी कभी ऐसा कुछ मौका मिलता है, समय मिलता है, तो हम लोग भी इससे जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा मौका निकाले हैं। और टाइमिंग पर सवाल है क्योंकि काफी तनाव आपको है पिछले महीने से ही देख रहे हैं, और ऐसे में ईडी ने जो टेंशन दिया उसको आपने देखिए, किसी का गीत जवाब तो संगीत नहीं से दिया। मन शांत होता है, और ये सारी चीज़ें आपको और शक्ति देती है, ये सारी चीज़ें आपको शक्ति देती है, और इससे मन भी शांत होता है। और काफ़ी ये तो साइंटिफिक है, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस भी बूस्ट होता है इससे। और निश्चित रूप से ये पहली बार नहीं है हम लोगों के लिए, पहला चुनौती नहीं है, आप लोग देखे हैं कि हम तो संघर्ष के उपज है, शुरू से ही जब से होश संभाले तब से संघर्ष ही देख रहे हैं, तो इस संघर्ष के बीच में हम लोग परेशान होके बैठे रहे, वैसा तो हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि विचलित होने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी परेशानी में या विपरीत परिस्थिति में लोगों को विचलित होना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो सत्य की जीत होती है, और आपके साथ इतने सारे लोगों का आशीर्वाद जब है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका बिल्कुल, हम झारखंड की बेटी है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है राजनीतिक में आए हुए, तो क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, तो मेरा 24 घंटा लोगों के बीच में जाता है, घर तो बहुत कम जाते हैं, मतलब सिर्फ रात में जाते हैं, रेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त तो लोगों के बीच में बिताते हैं, तो हमारे अंदर और अम्बा प्रसाद को जानना पहचानना मुझे लगता है कि बिल्कुल चाहिए।